लबीरा खा लो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, अदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद आबाद रखे, और आप सब सुनने वाले के जितनी भी हाजत जाते हैं वो सब अल्लाह पाक पूरी करे, आमीन। नाश्ता? नींद आ रही है तुम लोगों को? नींद मदरसे से आके सो जाना, अबे नबीरा मदरसे से आके सो जाना ताकि फिर रात को जाग सको, शाम में उठना फिर ठीक है। सोई हो तुम? किस तरह से सोई हो? उठो, खड़ी हो। ये देखिए, कल रात हमारे कमरे में चूहा आ गया था, तो मैंने इस विंडो को इस तरीके से जो है पैक किया ताकि चूहा ना आए, और कबर्ड में घुस गया था मेरी, तो यहाँ से जाने की जगह थी तो मैंने यहाँ पे भी कपड़ा फिक्स कर दिया ताकि ये अंदर से भी ना जाए। बड़ा जो है कबर्ड में खट 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 की आवाज़ आ रही है, मैं परेशान कि भाई कबर्ड में क्या है ऐसा जो खट खट आवाज़ आ रही है। जो ऐसे ही कबर्ड खोली तो यहाँ से जो है चूहा भागा। फिर जो है इधर मैंने पूरा पैक किया, इस विंडो को पैक किया, अभी तो अल्लाह का शुक्र है नहीं आया, आप देखें क्या होता है। ये देखें पानी पता नहीं कहाँ से निकल रहा है, और ये वहाँ तक आप देख सकते हैं पानी गया है वहाँ तक, ये देखें यहाँ तक पानी आया है, पता नहीं कहाँ से लीकेज हो रही है, समझ नहीं आ रही, सारा पानी पानी हुआ। तो मैं आप लोगों से एक बात ही कहना चाहूँगी कि जो ये सितारा यासीन है, लोग इनके पीछे क्यों पड़े हैं, क्या वजह है? वो एक यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर है इसलिए, या फिर जो है वो ज़्यादा इनके फैन फॉलोइंग हैं या बहुत फेमस हैं इसलिए, क्या क्या वजह है? हम लोग क्यों किसी के पीछे पड़ जाते हैं? अगर उनके हस्बैंड ने दो शादियाँ भी की हैं, वो सच है झूठ है वो उनका ईमान है, उनका वो मसला है, हम क्यों उनके पीछे पड़ के जो है हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि जो है हम उनको गंदा कर सकें? हमें पता है कि उनके घर की क्या सच्चाई है, क्या वजह है, क्यों हम किसी पे तोहमतें लगाते हैं, क्यों हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं? भाई अगर आपने वीडियोस बनानी है तो अपने टैलेंट पे बनाएं ना, अपने टॉपिक पे बनाएं। आप किसी को पकड़ के उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसको बुरा भला कह रहे हैं, भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? भाई ऐसा ना करें, ठीक है, वो उनके मसले हैं, अगर वो झूठ कह रही है तो वो उनका ईमान है, अगर वो सच कह रही है तो वो उनका ईमान है। तो आप लोग क्यों ऐसी इस तरीके की बातें करके गीबत कर रहे हैं? अगर कोई फेमस हो रहा है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी के पीछे पड़ने की? आप अपनी लाइफ के गोल्स देखें, आप ये देखें कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आप क्यों किसी को पकड़ के अच्छा बुरा कह रहे हैं? ये हम नहीं होते अच्छा बुरा किसी को कहने वाले, ये अल्लाह पाक की ज़ात है, उसे ही पता है कि कौन सही और कौन गलत। तो प्लीज़ खुदारा आप लोग ऐसी वीडियोस ना बनाएं। जब मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ ना, किसी के ऊपर आप लोग तोहमतें लगाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है यूट्यूब पर, मतलब इस तरीके से क्यों आप लोग ऐसी किसी की वीडियोस उठा के बना देते हैं, बहुत गलत है, प्लीज़ ऐसा ना करें आप लोग। कुछ व्यूज़ के लिए और कुछ फेमस होने के लिए आप लोग ऐसा करते हैं यार, ऐसा ना करें प्लीज़। अगर आपने जो है बनानी है ना वीडियो, तो अपने टैलेंट पे बनाएं, अपनी बात करें, अपनी जो घरेलू ज़िंदगी है उसको शेयर करें, उसके बारे में बोलें, किसी की घरेलू ज़िंदगी में दखल अंदाजी आप लोग क्यों करते हैं? ये देखें कैसे मुंह बना के टुके पे, अच्छा लगा भाई, इसको अच्छा लगा, इसका टेस्ट देखें तो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, ये देखें खुश हो रही हैं, अच्छा लगा माशाल्लाह। मेरा हाँ, ये लो फिनिश करो, गुड गर्ल।
हाँ जी, तो ये दाल देखे अच्छे से वॉश हो गई। अब इसे जो है हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। दाल को पानी धो के चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अब इस पे मैं थोड़ा ज़ीरा डाल रही हूँ, थोड़ा नमक डालेंगे हम, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ी लाल मिर्च, हल्दी, इस पे थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली, और अब मैंने डाला इसमें थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च, ठीक है, और टमाटर का पेस्ट डालूँगी मैं। टमाटर का पेस्ट जो है फ्रीज़र करके रख देती हूँ, जब भी मुझे चाहिए होता है तो मैं उसको जो है निकाल लेती हूँ जितना भी मुझे चाहिए होता है। तो जो टमाटर का पेस्ट है वो मैं पेस्ट डालूँगी फ्रीज़र करा हुआ, तो इसमें मैं अब टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। पेस्ट ऐड करने के बाद फिर जो है इसको हम गलने देंगे दाल को। जब अच्छे से गल जाएगी, इसमें दो चिली मैंने ग्रीन चिली डाली, और जब ये जो है अच्छे से गल जाएगी तो फिर हम इसे ग्लैंड कर लेंगे दाल को, और फिर हम इसे ग्लैंड करने के बाद इस पर भिगाड़ डाल देंगे। तो बस अब जो है दाल को हम गलने देते हैं। दाल जब तक गलती है तो हम बाकी के काम कर लेते हैं, चावल वगैरह भिगा देती हूँ। तो और ये देखेंगे पेस्ट मैं आपको कह रही थी टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया, तो ये जो है मैं टमाटर थोड़े से इसमें ऐड कर दूँगी ताकि जो है इसी में ही पक जाए। मेरे पास साबुत टमाटर नहीं थे तो मैंने जो है पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो मैं जो है वो पेस्ट ऐड करूँगी टमाटर का। तो ये मैंने जो है पेस्ट ऐड कर दिया फाइनली, और अब जो है दाल पकती जाएगी, पक जाएगी तो रेडी हो जाएगी। और देखेंगे जो है दाल रेडी हो गई है, और इसमें मैंने जो थोड़ी सी चिकन बची थी, सालन बना हुआ था तो उसकी चिकन बची थी तो वो मैंने ऐड कर दी ताकि बच्चे जो हैं खा लें शौक से। और इसमें मैंने भिगाड़ में थोड़े से गोल मिर्चे, प्याज और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। अब थोड़ा लाल हो जाएगा तो हम इस दाल में ऐड कर देंगे भिगाड़। तो ये देखिए हल्का हल्का सा लाल हो गया है। अब इस पॉइंट पे जो है मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, ताकि जो है दाल का कलर अच्छा आए, येलोइश सा आए। तो आप लोग भी ये ट्रिक यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और दाल का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये ट्रिक करने से दाल जो है बहुत खिली खिली और ख़ूबसूरत नज़र आती है। तो चलिए हमारी जो है दाल रेडी हो गई है, हमारा लंच रेडी हो गया। देखिए मेरा रेडी हो गई है, और आज मेरा ने टू पोनियाँ बनाई है, इतनी छोटी छोटी सी। हाँ मेरा रेडी हो गई, और ता भैया सो गए, नहीं जाग रहे हैं। क्यूटी क्यूटी टूटू पोनी वाली। तो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब दे मुझे इजाज़त, तो मैं चलती हूँ। आज का ब्लॉग यही था, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ऐसे मज़े मज़े के ब्लॉग्स और टॉपिक्स मैं रोज़ लाने लगी हूँ आपके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, पसंद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।